जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस डिज़ाइन इंजीनियर के बारे में। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ का हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैड एंड सीए टूल्स के बारे में, मतलब कि इसके जो टॉप 3 इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसके दो पार्ट्स हैं वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं जो टॉप 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें शो हो रहा है यहाँ पे, क्या है कि व्हाट कैड सीए सॉफ्टवेयर आर यू मोस्ट प्रोफिशिएंट इन एंड हाउ हैव यू यूटिलाइज्ड इट इन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। मतलब कि आप किस कैड सीए सॉफ्टवेयर में प्रोफिशिएंट हो, मतलब कि वर्क करना अच्छा लगता है, मतलब कि इसमें इजिली बन जाता है, एंड हाउ हैव यू यूटिलाइज इट इन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट, और प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपने उसे कैसे यूज किया हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में आपने बताना है जो इंडस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर डिजाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन वैन यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। मतलब कि आप इंश्योर कैसे करोगे कि आपकी जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, मैकेनिकल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई डिज़ाइन कैड मॉडल आपने क्रिएट किया, उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीशन का आप कैसे ध्यान रखोगे, ठीक है, इंश्योर करोगे। थर्ड, हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट कैड और सीए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड यूटिलाइज देम इन योर वर्क। कि आप जो कैड और सीए के सॉफ्टवेयर हैं उसका अप टू डेट कैसे रह सकते हो आप, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 3 क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे यहाँ पे कि वट कैड सी ए सॉफ्टवेयर आर यू मोस्ट प्रोफिशियंट इन एंड हाउ हैव यू यूटिलाइज इन यूर प्रीवियस प्रोजेक्ट। प्रीवियस प्रोजेक्ट में आप इसने कैसे यूज कर सकते हो, तो आई एम प्रोफिशियंट इन सॉलिड वर्क एंड ऑटोडेस्क इन्वेंटर फॉर कैड एंड एनसिस फॉर सी ए। तो इसमें मैंने सॉलिड वर्क के बारे में बताया और ऑटोडेस्क इन्वेंटर के बारे में बताया। ठीक है, तो आप जिसमें प्रोफिशियंट हो आपने उसी के बारे में बताना, ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आप इंटरव्यू में बताओगे। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लग रहा है आपने उसी के बारे में बताना। तो मैं सॉलिड वर्क्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोफिशियंट हूँ। ठीक है, तो आप जिसमें हो तो उसके बारे में बताना। ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही मैं उसके क्या है एडवांटेजेस वगैरह बताऊंगा, तो आपने वैसे ही बतानी है जिस सॉफ्टवेयर में आप प्रोफिशियंट। क्लियर, तो अब हम आगे देखते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर जो हमने यूज किया जैसे कि सॉलिड वर्क्स वगैरह, ठीक है, तो आई हैव यूज्ड दिस सॉफ्टवेयर टूल्स एक्सटेंसिवली फॉर वेरियस मैकेनिकल डिजाइन प्रोजेक्ट्स। आपने बताना कि हमने जो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में काफी यूज किया सॉलिड वर्क्स को, क्योंकि सॉलिड वर्क्स और ऑटोडेस्क इन्वेंटर ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग 3D मॉडल्स असेंबलीज एंड 2D ड्रॉइंग। क्योंकि इसमें कैपेबिलिटीज हैं कि हम इसमें 3D मॉडल्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, 2D ड्राइंग क्रिएट करनी वो इजीली हो जाती है। ठीक है, असेंबली हमें करनी है तो वो भी इसमें हो जाती है सॉलिड वर्क्स में, तो ये क्या है इजी टू यूज है इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। तो आई हैव यूज दिस टूल्स टू डिजाइन कॉम्पोनेंट असेंबलीज, परफॉर्म इंटरफेरेंस चेक्स एंड क्रिएट डिटेल्ड ड्रॉइंग। ठीक है, तो डिटेल्ड ड्रॉइंग क्रिएट करनी है, इंटरफेस उसका, ठीक है, तो अपियरेंस उसकी चेंज करनी है, तो वो हम इसमें इजिली कर सकते हैं। एडिशनली आई हैव यूटिलाइज देयर बिल्ट इन सिमुलेशन एनालिसिस टूल्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिजाइन अंडर वेरियस लोडिंग कंडीशन। मतलब कि क्या हम इसमें सीआई का भी यूज कर सकते हैं सॉलिड वर्क में, क्योंकि इसमें हम सॉलिड वर्क सिमुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं अंडर लोडिंग वेरियस कंडीशन। ठीक है, तो जो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो हम अप्लाई करके हम इसका एनालिसिस भी इसमें इजिली कर सकते हैं सॉलिड वर्क में। और क्या है कि सीआई के लिए मोस्टली जो हम यूज करते हैं जैसे कि एल फॉर एनसिस, आई हैव यूज्ड इट प्राइमली फॉर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। एफईए के लिए मोस्टली जैसे जो टिपिकल पार्ट है, तो हम मोस्टली हम एनसिस का यूज करते हैं कि अगर या कॉम्पुटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सिमुलेशन यूज करने है, तभी हम एनसिस का यूज करते हैं सीएफडी। ठीक है, इन वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई हैव यूज्ड एनसिस टू परफॉर्म अ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी लोडिंग कंडीशंस अप्लाई करी, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह अप्लाई करके देखी कि उसमें क्या चेंजेस आते। ठीक है, तो हम सीआई के लिए मोस्टली एनसिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉलिड वर्क्स में भी यूज करते हैं, बट कुछ लिमिट है, उस लिमिट तक ही हम उसे यूज कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाय लेवरेजिंग दिस कैड सीए टूल्स की इनका मैं इसका फायदा उठा रहे हैं कि हम कैड और सीए टूल्स की हेल्प से
और हम एक रोबस्ट, एक बहुत मजबूत मैकेनिकल डिजाइन प्रोजेक्ट हम इसमें इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। नेक्स्ट अब हमारे पास है, हाउ डू यू इंश्योर डिजाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन व्हेन यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, कि आप इंश्योर कैसे करोगे जब आप डिजाइन कर रहे हो कोई कैड सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कैसे ध्यान रखोगे। तो इन माई एक्सपीरियंस, इंश्योरिंग डिजाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन व्हेन यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। माई गो टू मैथड फॉर अचीविंग दिस इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। मीन्स क्या है कि जो हमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन होना कैड मॉडल में बहुत ही जरूरी है। तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं या स्ट्रेटेजी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आई ऑलवेज स्टार्ट विद क्लियर एंड वेल डिफाइंड डिजाइन इंटेंट। जो डिजाइन इंटेंट है, मतलब कि कोई जो भी आप प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप बना रहे हो, ठीक है, 3D मॉडल में, ठीक है, उसके बारे में, तो वो क्लियर होना और वेल डिफाइंड होना चाहिए कि वो उसकी डिमेंशंस कितनी है, वेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, विच हेल्प्स मी टू सेट द राइट पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डिजाइन। तो इससे कि हम इजिली जो पैरामीटर्स है वो सेट कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट्स भी डिजाइन में सेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशंस वगैरह दे सकते हैं इजिली, तो वो आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि आई यूज द अप्रोप्रिएट कैड टूल्स एंड फीचर्स। तो जो आपको लग रहा है कि जो उसमें प्रोफिशिएंट हो आप जिस कैड टूल्स में, ठीक है, फीचर्स में, तो वही आप यूज करो। ठीक है, तो उससे क्या एक्यूरेसी भी ज्यादा रहेगी, प्रिसाइज भी आप इजिली कर पाओगे। कि सच एज पैरामेट्रिक मॉडलिंग, ज्योमेट्रिक डाइमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग एंड रेफरेंस ज्योमेट्री। मतलब कि पैरामेट्रिक मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर या उसमें आप GDNT इंप्लीमेंट कर रहे हो, रेफरेंस ज्योमेट्री लगा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या है आपकी डिजाइन की एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है कि आई रेगुलरली वैलिडेट माई वर्क बाय परफॉर्मिंग डिजाइन चेक्स एंड रिव्यूज एज वेल एज कंपेयरिंग द कैड मॉडल्स टू द ओरिजिनल डिजाइन इंटेंट। जो ओरिजिनल है और जो मैंने कैड मॉडल में बनाया, तो दोनों में डिफरेंसेस देखने हैं, अगर माइन्यूट से है, ठीक है, उसके अबाउट ही आ रही है, नियर अबाउट आ रही है वैल्यू, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, तो हम प्रिसाइजली ऐसे हम रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे एक्यूरेसी हम रख सकते हैं हमारे कैड मॉडल्स। तो बाकी आगे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स के साथ जो प्रीवियसली वर्क कर चुकी हैं, ठीक है, तो उनसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे आप डिजाइन जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी और प्रिसिशन रख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है, हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट कैड CI सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड यूटिलाइज देम इन योर वर्क। कि आप कैड और CI सॉफ्टवेयर में कैसे अप टू डेट रह सकते हो। तो इनमें अप टू डेट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो कनेक्टेड रहने के लिए क्या क्या, ऑनलाइन, ठीक है, या इनकी इंफॉर्मेशन जो भी आती रहती है। तो क्या, स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट कैड CI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज असेंशियल फॉर अ मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए बहुत असेंशियल है कि अप टू डेट रहे जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है कैड के रिलेटेड, CI के रिलेटेड। ठीक है, तो इनका फायदा उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आई गेट अराउंड दिस बाय सब्सक्राइबिंग टू इंडस्ट्री न्यूज लेटर। मतलब कि उनके इंडस्ट्रीज रिलेटेड, जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उनके रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है, ठीक है, और उनके रिलेटेड ब्लॉग्स को रीड करके जो भी डेली आते हैं या वीकली आते हैं, ठीक है, तो या ऑनलाइन कम्युनिटीज से बातचीत करके, ठीक है, तो ऐसे आप उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। नेक्स्ट क्या कि उनके रिलेटेड जो भी कोई ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ठीक है, उन्हें आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो उन्हें अटेंड करके हम उनके साथ मतलब कि अप टू डेट रह सकते हैं कैड एंड CI सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। ठीक है, तो ये टॉप 3 क्वेश्चंस थे, इंटरव्यू क्वेश्चन थे डिजाइन इंजीनियर के। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था। ठीक है, और इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।